हेलो एवरीवन, इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंस। डिटरमिनेंस एक बहुत छोटा सा सिंपल टॉपिक है, नाउन को डिटरमिन करता है। थोड़ा सा इसका रिजेम्बलेंस एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स के साथ भी होता है, क्योंकि वो भी नाउन से पहले लगते हैं और ये भी नाउन से पहले। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रेड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। लेट अस स्टार्ट आवर मीटिंग। डिटरमिनेंस, डिटरमिनेंस आया है शब्द डिटरमिन से। डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है, डिटरमिन इज अ वर्ब जिसका मतलब है निर्धारण करना, और जो डिटरमिन करे उसे कहते हैं डिटरमिनर। अब ये निर्धारण जो करता है, ये किसका निर्धारण करता है, सवाल ये है। ये किसके बारे में हमें कुछ बताता है, किसके बारे में एक लिमिटेशन बताता है, तो ये लिमिटेशन बताता है किसी भी नाउन के बारे में। अब हम एरो चार्ट देख रहे हैं, निर्धारण करता है किसका, नाउन का। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये नाउन का निर्धारण करता है। How does it determine the noun? My bag, my pen, my first boy, her mother, 10 pens, some water. यहाँ पे हम सबसे पहले nouns को ढूंढ लेते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है bag, ये है noun, pen is a noun, boy is a noun, मदर नाउन है, पेंस प्लूरल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल। माय बैग, सो माय शब्द ये बताता है कि ये बैग किसका है, मेरा है, किसी और का नहीं है। माय पेन, वही बात। फर्स्ट बॉय, एक लाइन है, हम किस बॉय की बात कर रहे हैं, वो बॉय जो लाइन में फर्स्ट है। हर मदर, हर शब्द है डिटरमिन कर रहा है कि ये मदर किनकी है, हर मदर, उनकी मदर। 10 pence नाउन के बारे में बता रहे कितना। सम वाटर, वाटर भी सम, सकारात्मकता लिए हुए है, कुछ वाटर। अब हम ये देखें, ये सब एग्जांपल से हमने ये सोचने पे हम लोग मजबूर हुए होंगे कि नाउन बता, ये डिटरमिनर बताता क्या है। डिटर्मिनर नाउन के बारे में ये बताता है कि नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन, किसका है ये, और ये कितना है। कितना में, अगर ये गिनने वाला होगा, काउंटेबल होगा तो संख्या बताएगा, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो मात्रा बताएगा। जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनर्स के प्रकार, कितने तरह के डिटर्मिनर होते हैं। और देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, यहीं से हमको मालूम पड़ जाएगा कि डिटरमिनर्स जो जो काम करते हैं बस उसी के आधार पर उनके प्रकार हैं। देखें हम, क्या हम खुद डिडक्ट कर सकते हैं कितने प्रकार हैं। ये माई, माई, हर, ये क्या बता रहे हैं कि ये किनके हैं, पोजेसिव्स। हमने यहाँ पे दिस नहीं लिया, चलिए टेन ये बता रहे हैं कि वो कितने हैं, सम भी कितने हैं, फर्स्ट बता रहे हैं कि वो कौन से नंबर पे है, तो बस इसी के आधार पर ही डिटरमिनर्स के प्रकार भी होंगे। सबसे पहला हम लोग लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी वर्ड आया है डिमॉन्स्ट्रेट से। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, प्रस्तुत करना, दिखाना, इशारे से बताना कि वो, इशारे से दिखाकर बताए। जैसे कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो ये जो दिस है यहाँ पर, ये डिटर्मिनर होगा, और कैसा डिटर्मिनर होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं हम, अगला प्रकार डिटर्मिनर्स का, पोजेसिव्स। पोजेसिव्स, पोजेसिव्स वर्ड भी पोजेस से आया है। पोजेस मतलब किसी चीज को ओन करना,
किसी पे अपना अधिकार रखना या अधिकार होना। तो पोजेसिव से वर्ड आया पोजेसिव, ये शो करता है ओनरशिप या ये अधिकार बताता है। तो लेट अस सी कौन कौन से शब्द हैं जो कि पोजेसिव की कैटेगरी में आते हैं। माई, आवर, योर, देयर, पर, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, उसका, लड़की का, ये सब वर्ड्स। यहाँ पे हम अगर लड़के के लिए लिखें तो हम हिज भी लिख सकते हैं, उस लड़के का। तो ये सब पोजेसिव्स हैं। इन पोजेसिव्स को यूज करते हुए चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। माय हाउस इज ब्यूटीफुल, इसका घर, मेरा घर सुंदर है। तो हाउस हमारा नाउन हुआ और ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंस। माय डॉटर, डॉटर अगेन इज अ नाउन, इज ए डॉक्टर। लेकिन ये डॉटर एक को डिटर्मिन कौन कर रहा है? माय पोजेसिव, माय एक पोजेसिव है, डिटर्मिनर है, जो कि बताता है कि किसकी डॉटर, वो मेरी डॉटर, माय डॉटर इज अ डॉक्टर। आगे चलते हैं लास्ट टाइप पे, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स वर्ड आया है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा बताना, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, उसकी मात्रा। अब मात्रा दो तरीके से हो सकती है, या तो अनकाउंटेबल नाउंस या काउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउंस की बात करेंगे डिटर्मिनर में तो वो संख्या बताएगा, और अगर हम अनकाउंटेबल नाउंस की बात करेंगे तो वो क्या बताएगा आपको, मात्रा बताएगा। चलिए देखते हैं मात्रा के एग्जांपल्स। लिटिल, सम, ये अ लिटिल भी हो सकता है। लिटिल और अ लिटिल में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता देती हूँ, और इसके बाद में जब हम लोग आएंगे आगे इसको और डिटेल पढ़ेंगे। लिटिल मीन्स कुछ, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कम, और अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा। अ लिटिल पॉजिटिव है, लिटिल नकारात्मकता लिए हुए है, ना के बराबर कमी बताता है। गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दो। लेकिन अगर हमें कहना है कि डब्बे में बहुत ही ना के बराबर शुगर है तो हम कहेंगे देर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, पॉट में बहुत ही कम शुगर है। तो वो वर्ड भी डिटरमिन करता है कि शुगर कितनी है। हम चलो संख्या पे चलते हैं। संख्याएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो क्रम में क्रम बताती हैं या वो संख्या बताती है। जो संख्या बताए उसे कार्डिनल्स कहते हैं, और जो क्रम बताए उसे ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, द फर्स्ट गर्ल। कौन सी गर्ल, इस गर्ल को कौन डिटरमिन करता है? ये डिटरमिनर, ये है फर्स्ट। द फर्स्ट गर्ल इन द रो इज इंटेलिजेंट, उस रो में जो पहली बच्ची बैठी है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये डिटरमिनर होगा। उसी तरह हम आगे चलते हैं संख्या पे, देर आर 10 पेंस इन द बॉक्स। ये जो 10 है ये डिटरमिन करता है, बताता है कि जो पेंस की संख्या कितनी है। तो ये हुआ हमारा डिटरमिनर, जो कि इस नाउन को डिटरमिन कर रहा है। और साथियों इसी के साथ ही आज हमारा वीडियो यहीं पे संपन्न हुआ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने डिटरमिनर्स को वीडियो को वॉच किया। उम्मीद है कि आपको बहुत ईजी लगा होगा, ये टॉपिक भी बहुत ईजी और सरल सा है। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेती हूँ, और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, आई लव यू ऑल एंड आई थैंक यू ऑल।